साईं राम, साईं की फोटो चुने और जाने अपनी परेशानी का उत्तर। ओम साईं राम। ओम साईं राम। पहली फोटो, अभिमान त्यागो, श्री साईं को याद करो। साईं कहते हैं कि जहाँ तक आपके भाग्य की बात है तो आपका निकट भविष्य काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। हालांकि परिस्थितियों में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव के कारण आपको कुछ छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी आप जल्द ही उन पर काबू पा लेंगे और अच्छी प्रगति करेंगे। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः आपकी किस्मत में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार होने तय हैं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों की परेशानी से खुद दुखी हो जाते हो, लेकिन मैं सबकी ज़िंदगी देख रहा हूँ। जिसके लिए जो सही है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस प्रार्थना करो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दूसरी फोटो, श्री साईं को याद करें, कोई चिंता नहीं होगी। श्री साईं का स्मरण करने से आपका मन शुद्ध होगा। साईं बाबा का आशीर्वाद आपके साथ पहले से है। आपके पिता के अच्छे कार्य आपकी मदद करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, जो भी अच्छे कर्म करते हो तुम, वो तुम्हें या तुम्हारे परिवार के लोगों को अच्छा ही फल देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये तुम्हारी पूंजी है। जिस प्रकार तुम एक एक पैसा बचाकर अपने पास रखते हो, वैसे ही तुम्हारा एक एक अच्छा कर्म तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए सबकी मदद करते रहो, तुम्हारी परेशानी कब दूर हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फोटो, यदि आप कहते हैं कि श्री साईं बाबा के आशीर्वाद से चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने काम में सफल होंगे। अगर तुम कहते हो कि मैं यह करूंगा तो तुम असफल हो जाओगे। आपदाओं के बादल छट गए हैं। श्री साईं बाबा के नाम पर 100 रुपये का दान करें और जो चमत्कार होता है उसे देखें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अधिक थक जाते हो, लेकिन मेहनत तो हर किसी को करनी ही होती है। तुम्हें अगर थकावट होती है तो तुम काम को थोड़े थोड़े हिस्से में बांट लो और एक पूरा टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें पूरे दिन में क्या क्या करना है। ऐसा करने से तुम देखोगे कि तुम्हारा समय सही जगह खर्च हो रहा है। ओम साईं राम।